देंगे। राम, ऐसा कह रहे हैं। अंदर आओ। मामला गंभीर बना हुआ है, कभी भी आग लग सकती है। यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है और ये स्टूडेंट्स किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, अपने ऊपर केरोसिन डाल रहे हैं। उस लड़के को कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ सर, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी, बेहोश हो गया था लेकिन बच गया। गंभीर देखते हुए क्यों करण? अगर वो स्टूडेंट मर जाता तो क्या हो जाता? बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी सर, बाकी के कॉलेज स्टूडेंट्स भी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते थे और मीडिया भी चुप नहीं रहती थी, कॉलेज बंद करने की नौबत आ जाती थी सर। उन स्टूडेंट्स में से कोई एक सुसाइड करके मरना चाहिए था, इस हड़ताल के खत्म होने से पहले ये हो जाना चाहिए। ओके सर, सुसाइड प्रूफ होना चाहिए। ठीक है सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा सर। करण, एनी प्रॉब्लम? वाइफ के चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है, तो चलता हो। हे, बाहर आ रहा है, हमारे पास ही आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आने दो, आने दो। आ गया, आ गया। पास में आने दो, देखते हैं। ये लो और जाओ जल्दी। हेलो कृष्णा। बोलो। करण मुझे एक फाइल देकर कार के पास जा रहा है। जानता हूँ, तुम गोडाउन में आ जाना। तो उसे? वो मैं देख लूंगा, तुम जल्दी आ जाओ। आप क्या बोल रहा है? वो हमें गोडाउन में आने के लिए कहा है। अरे उसने हमको समझ क्या रखा है, कभी बोलता इधर जाओ कभी बोलता उधर जाओ, अब गोडाउन में वापस बुला रहा है। अन्नो, हे भगवान, मुझे माफ कर दो अन्नो। मैं तुम्हें क्यों माफ करूं करण, ये कौन सा काम है? मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो, ये काम, ये पैसा, ये जगह, ये सब कुछ छोड़ के मैं जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वो मेरे मुंह से सारी बातें उगलवाने के लिए तुम्हारी कदम पर चाकू रख दिया था। नहीं करण, नहीं, उसने जो किया सही किया, अगर वो ये सब नहीं करता तो मुझे तुम्हारी असलियत का पता ही नहीं चलता। स्टूडेंट से पैसे लेकर धोखा दिए एजेंट्स को गिरफ्तार ना करने की वजह से स्टूडेंट हेल्थ मिनिस्टर के इन लोगों के लिए मैं अब तक आपसे बात कर रहा था। मेरा काम गलत लगे तो आप पुलिस को फोन कर सकती हैं, नहीं तो हमारे लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने पति को फोन कीजिए। अगर वो चाहता तो उस वक्त वो तुमसे अपना पैसा किसी भी कीमत पर वसूल सकता था। करण, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है करण, उसके पैसे ले जाकर वापस कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अगर मैंने उसके खिलाफ कुछ किया तो वो मुझे मार डालेगा। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, बाकी स्टूडेंट का? सीधा चलो। एक मिनट वासु,
करण, मैं हूँ, सो गए थे क्या? नहीं गौरव, बोलो। सब कुछ ठीक से हो गया ना? गौरव? गौरव ही हूँ। गौरव तुम क्या पूछ रहे हो? मैं क्या पूछूं करण, मेरी गैर हाजिरी में मुझे सब कुछ पता चले इसलिए तुझे रखा है। अब तू ही मुझसे बातें छिपाएगा करण तो कैसे चलेगा? हेलो हेलो सर, कहा था ना सर, करण बहुत शार्प आदमी है। करण लाइन मत कट करना। रुको रुको करण, कट मत करना। मैं तेरे बारे में कितना कुछ सोच रहा था लेकिन तूने ऑफिस में आकर मेरे डॉक्यूमेंट्स ही चुरा लिए। मैंने उस लड़के को उठवाने की कोशिश की तो तूने उसे बचाया। क्या हो गया है तुझको करण? नहीं गौरव, पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल बोल, मैं सुन रहा हूँ ना। गौरव, हम गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं गौरव। इस गलती की सजा कल मेरे बच्चे को भी भुगतनी पड़ सकती है गौरव। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? अच्छा, वो तेरी वाइफ को धमकी देगा तो तू गद्दारी करेगा? गौरव, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तेरी वाइफ और तेरे होने वाले बच्चे को अब जरा संभाल कर रखना, तेरी जिम्मेदारी है ना। गुड नाइट। गौरव, गौरव मेरे। Hmm.